हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स आज हम करेंगे आपका एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर को शुरू करने से पहले इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लें जिनको हम हेडिंग देंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो पहले हमारे ध्यान में आती है दैट इज वॉट इज एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग यानी कि जिसमें हम फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं उसकी साइंस को उसकी स्टडी को हाउ वी प्रैक्टिस वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर जिसको आप हिन्दी में सिम्पली कहते हो खेती करना सेकेंडली क्रॉप वर्ड बहुत बार यूज हुआ है इस चैप्टर में तो आपको अगर आता है ये एग्जाम्स में वॉट इज क्रॉप तो आपने कैसे लिखना है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स यानी अगर वीट की बात कर रहे हैं तो सारे वीट प्लांट्स राइस क्रॉप की बात कर रहे हैं तो सारे राइस क्रॉप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को जब हम एक साथ कल्टीवेट करते हैं कल्टीवेट का मतलब ग्रोइंग ओके okay? उनका कल्चर तैयार करते हैं एट अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड स्ट्रेच ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड दिस इज योर क्रॉप जिसको आप हिंदी में फसल कहते हो देन नेक्स्ट इज कंपोस्ट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है आपने सेवेंथ क्लास में भी सुना है सिक्सथ में भी सुना है इसके बारे में कंपोस्ट हमारी नेचुरल मैन्यर होती है natural है ना नेचुरल हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है चाहे वो प्लांट्स का वेस्ट हो चाहे एनिमल्स का वेस्ट हो काउडंग एक्सेट्रा uh, जैसे अपने आप डी हो जाते हैं ये चीजें नेचर में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स दीज वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट दे आर टर्नड इन टू ऑर्गेनिक मैन्यर जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट ओके वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्पोस्ट यर मैन्यर प्रपेयर्ड बाय डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन नेचुरल वे से जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट वेस्ट है और एनिमल वेस्ट है ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैन्यर में प्योर मैन्यर में जिसको आप कहते हो देसी खाद ओके okay? जो अपने आप तैयार हुई है जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा नेक्स्ट फोर्थ इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इज हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑन अ लार्ज स्केल लार्ज स्केल यानि बहुत बड़े अमाउंट में बहुत बड़े रेशियो में जब हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं बेटा तो उसकी साइंस को ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर ओके okay? जैसे एग्रीकल्चर हमने द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मरिंग बोला था ना द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर सिमिलरली The science of growing vegetables, fruits and flowers on a large scale is called horticulture to तो ये टर्म भी आप पढ़ोगे नई class mein में इसी चैप्टर में hamare हमारे पास वर्ड है par पर इरीगेशन क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम चैप्टर की तो बिना इरिगेशन के तो क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो वॉट इज इरीगेशन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिंपल है वाटरिंग द क्रॉप फील्ड्स यानी जो क्रॉप फील्ड्स हमने कल्टिवेट किए हैं उनको पानी देना वाटर सप्लाई उनकी करना है ना अच्छे से उनकी ग्रोथ हो बिकॉज वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स तो वॉट इज इरीगेशन वाटरिंग द क्रॉप फील्ड्स इज कॉल्ड इरीगेशन नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट टर्म हाइब्रिडाइजेशन दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म ये हाइब्रडाइजेशन का कंसेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए नया वर्ड है आपके लिए बेटा हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम मिक्सिंग करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं हाइब्रिड है ना एडवांस फॉर्म बनाते हैं मॉडिफाइड फॉर्म बनाते हैं तो उस चीज़ को हाइब्रिड बोलते हैं और उस प्रोसेस को हाइब्रेडाइजेशन बोलते हैं हम क्या करते हैं हम टू और मोर वेराइटीज प्लांट्स की हम सिलेक्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में हम हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स के केस में पढ़ेंगे। तो सिलेक्टिव क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे हम टू और मोर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स की जिनके डिफरेंट डिज़ायर्ड करेक्टर्स यानी अलग अलग क्वालिटीज करेक्टर्स होंगे एक प्लांट में रूट्स अच्छी हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर और फ्रूट अच्छे हैं तो उन दोनों को हम डिफरेंट वराइटीज़ को क्रॉस ब्रीड कराएंगे आपस में ताकि हमारे पास एक न्यू वरायटी आए है ना ताकि हमारे पास एक न्यू वरायटी आए और उस न्यू वराइटी में हमें वो दोनों करैक्टर्स मिल जाएं जिनके लिए हमने सिलेक्टिव क्रॉस ब्रीडिंग की थी तो ये आपकी टर्म है हाइब्रिडाइजेशन की दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं ना अच्छे मैंगोज होते हैं कई ट्रीज़ के लेकिन उनका रूट सिस्टम अच्छा नहीं होता तो हम ऐसी एक प्लांट की वैरायटी लेंगे जिनका रूट सिस्टम अच्छा है एक की लेंगे जिनका फ्लावर्स और फ्रूट्स अच्छे हैं और उनको हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो न्यू वैरायटी हमारे पास आएगी तो क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम टू प्लांट्स की वराइटीज को मिक्स करके एक अच्छा न्यू वैरायटी तैयार करते हैं जो हमें दोनों ही प्लांट्स की वैरायटी को देता है ठीक है है ना और एक गुड क्वालिटी प्लांट हमें हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से मिलती है नेक्स्ट हम बात करेंगे सेवेंथ हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की पेस्टिसाइड्स जब बेटा मैंने पेस्टिसाइड्स का नाम लिया तो दो वर्ड से बना ये पेस्ट और साइड पेस्ट का मतलब इंसेक्ट्स हार्मफुल एंड साइड्स का मतलब किलिंग तो जब हम पेस्ट की किलिंग की बात करते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स वर्ड यूज कर सकते हैं दीज आर केमिकल्स ये वो केमिकल्स हैं दैट आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स और प्लांट्स जो क्रॉप्स और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं केमिकल्स ताकि हम उनके पेस्ट को मार सकें इंसेक्ट्स को मार सकें तो व्हाट आर पेस्टिसाइड्स दीज आर केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स और प्लांट्स टू किल द पेस्ट नाउ एथ वन इज वीडीसाइड्स व्हाट आर वीडीसाइड्स वीडीसाइड्स क्या हैं ये ये वो केमिकल्स हैं दैट आर अप्लाइड टू द सॉइल टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड प्लांट्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जिनको हम सॉइल पर अप्लाई करेंगे ठीक है मिट्टी में मिलाएंगे उन केमिकल्स को ताकि जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो हो गए हैं हमें नहीं चाहिए उनको डिस्ट्रॉय कर सकें ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्रॉप जो है वो हेल्दी मिले क्योंकि अगर अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप के साथ ग्रो करेंगे ना बच्चे तो वो हमारी क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करेंगे वाटर भी शेयर करेंगे स्पेस भी शेयर करेंगे तो क्रॉप प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग वर्ड आपके लिए कॉमन हो सकता है कुछ बच्चों ने ये वर्ड उनके माइंड में पहले से भी हो सकता है व्हाट इज हार्वेस्टिंग जब हमारी क्रॉप मेच्योर हो जाती है मेच्योर होने का मतलब अच्छी तरह से पक जाती है है ना राइपंड फॉर्म में हो जाती है हमें वो रेडी लगती है कि हम उसमें से ग्रेन ले सकते हैं तो हम कटिंग करते हैं मेच्योर क्रॉप की दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग मेच्योर क्रॉप मैनुअली हाथों से है ना विद द हेल्प ऑफ सिकल और बाय अ मशीन या फिर एक मशीन हम यूज़ करेंगे हार्वेस्टिंग के लिए तो दोनों ही तरीकों से अगर हम कटिंग कर रहे हैं मैच्योर क्रॉप की दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग नेक्स्ट पॉइंट इज योर टेंथ इंपॉर्टेंट टर्म इज थ्रेशिंग थ्रेशिंग वो मेथड है जिससे हम यूजफुल ग्रेन्स जो हमें चाहिए अल्टीमेटली क्रॉप लगाने का हमारा मकसद क्या था कि हमें उसके ग्रेन्स जो हैं वो चाहिए तो जब हम उनको सेपरेट करते हैं चैफ से चैफ यानी उनका रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्रॉप तो जो हमें नहीं चाहिए जिससे फॉर्डर बनता है एनिमल्स खाते हैं जिसको उस चैफ से जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे तो इस मैथड को हम बोलते हैं थ्रशिंग ओके सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चैफ वेरी सिंपल डेफिनेशन इलेवेंथ इंपॉर्टेंट टर्म इज फार्मिंग अब ये फार्मिंग क्या है वेरी सिंपल खेती बोलते हैं हम जिसको फार्मिंग फार्म वर्ड से बना है बड़े बड़े फार्म्स में जब हम प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं ताकि हमें फूड मिले या फिर हम कोई आ, अपना कमर्शियल लेवल पर कॉटन या कुछ जूट जैसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं फॉरअर लाइवलीहुड है ना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए

कुछ ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जिनसे हमें जैसे मिल्क मिलता है मीट एंड एग्स मिलते हैं फ्लैश मिलता है है ना वूल मिलती है तो ऐसे एनिमल्स को जब हम उनकी केयर करते हैं उनको अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं पालते हैं ताकि हम उनसे ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले सकें दैट प्रोसेस इज नोन एज एनिमल हजबेंड्री तो वॉट इज़ एनिमल हजबेंड्री रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू ऑपटेन मिल्क मीट एग्स आप वूल भी लिख सकते हो एनी अदर प्रोडक्ट जो आपके माइंड में आ रहा लिख सकते हो तो इस प्रोसेस को रियरिंग ऑफ एनिमल्स को हम एनिमल हजबेंड्री कहते हैं ये बेटा आपके ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट टर्म थी जो चैप्टर नंबर वन क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होंगी इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है और लर्न भी करना है सो so दैट आपके लिए चैप्टर को समझना इजी हो जाए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं यू कैन अटेम्प्ट देम। आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो है नो नीड टू वरी इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी कुछ चैप्टर के टेक्स्ट बीच में से टिल देन थैंक यू हैव नाइस डे